हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हीलोफाई के नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे योनि के दर्द के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाले योनि के दर्द के बारे में जानेंगे कि ये दर्द क्यों होता है और साथ ही अगर ये दर्द हो तो इसके लिए क्या घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या फिर आप शॉपिंग के साथ साथ बचत भी करना चाहते हैं तो हीलोफाई ऐप को अभी अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो योनि में होने वाला दर्द है ये प्रेगनेंसी के दौरान कब होता है और क्या ये सामान्य है। तो कई महिलाओं को योनि में दर्द की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। ज्यादातर महिलाओं को ये तीसरी तिमाही में होता है, वहीं कुछ महिलाओं को ये किसी भी तिमाही में हो सकता है। वैसे तो ये काफी आम है, लेकिन कई मामलों में ये गंभीर भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और चलिए अब देख लेते हैं कि ये किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है सेक्स करना, यानी कि संभोग। तो कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने की वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा शरीर में होने वाले कई सारे हार्मोनल बदलावों की वजह से योनि में सूखापन हो जाता है और अगर उस दौरान आप सेक्स करें तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसका दूसरा कारण गर्भाशय का आकार बढ़ना हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके गर्भ में शिशु का भी विकास होता है और गर्भाशय के इस दबाव से आपकी योनि के आसपास की मांसपेशियों पर भी दबाव पड़ता है और इसी वजह से आपको योनि में जो है वो दर्द महसूस हो सकता है। इसका तीसरा कारण हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होने लगती है, हार्मोनल बदलाव होते हैं और इस वजह से कई सारी परेशानियां महिलाओं को हो सकती हैं। इन्हीं में से एक है ये इन्फेक्शन। अगर आपको योनि का संक्रमण हो गया है तो इस वजह से भी आपको योनि में दर्द महसूस हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको योनि के दर्द के साथ या तो ये दर्द बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा हो तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखा दीजिए। अगर आपको योनि के दर्द के साथ साथ बुखार आना, चक्कर आना या इस तरह की कोई कमजोरी महसूस होना, हाथ पैरों में सूजन आना, ये सब हो रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि आपको कोई और समस्या हो या इन तीनों में से कोई एक कारण हो सकता है और कुछ बात हो सकती है, तो आप जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करें, उन्हें दिखाएं और अपना पूरा इलाज ढंग से करवाएं। और अब जान लेते हैं कि वो कौन से घरेलू उपाय हैं जो आप अपना कर योनि के दर्द से राहत पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं गुनगुने पानी की। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान योनि में दर्द महसूस हो रहा है तो आप पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिए और इससे अपनी योनि को साफ कीजिए। ऐसा करने से आपको योनि के दर्द से राहत मिलेगी। योनि के दर्द से राहत पाने के लिए आप बाएं करवट अगर लेटेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी, काफी आराम मिल सकता है। तो अगर आपको कभी प्रेगनेंसी के दौरान योनि में दर्द महसूस हो तो आप तुरंत ही बाएं करवट बैठ जाएं, बाएं करवट लेट जाएं, तो आपको जो है ये योनि के दर्द से राहत मिल सकती है, काफी आराम आपको इससे मिल सकता है। इसी की तरह एक और उपाय है, वो है तुरंत बैठ जाने का। तो अगर आपको कभी भी योनि में दर्द महसूस हो प्रेगनेंसी के दौरान तो आप तुरंत ही बैठ जाएं, इससे आपको काफी आराम महसूस हो सकता है। योनि के दर्द से राहत पाने के लिए आप अपनी योनि पर हल्की मालिश भी कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से अपनी उंगलियों से योनि की मालिश करें, ये भी योनि के दर्द से राहत दिलाने में काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करते हैं तो ये प्रेगनेंसी में वैसे भी फायदेमंद होता है और अगर आपको योनि में दर्द महसूस हो रहा है तो भी आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई परेशानी हो या आपको कुछ दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनसे पूछ लें कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसे में करना बेटर होगा और आप वही एक्सरसाइज घर पर दोहरा सकते हैं, तो इससे भी आपको आराम काफी मिल सकता है।
तो लीजिए देखा आपने, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने जाना कि योनि में जो दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो किन कारणों की वजह से हो सकता है। साथ ही अगर प्रेगनेंसी में आपको ये दर्द हो तो उसके लिए आप कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं, वही आपको कब ये दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिले तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलते चलते दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा हीलोफाई ऐप पर आप पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी से जुड़ी हर तरह की जानकारी पा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो ये ऐप आपके लिए हमेशा काम आने वाली है। साथ ही हीलोफाई पर आप शॉपिंग के साथ साथ ढेर सारी बचत भी कर सकते हैं, तो इसलिए इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और आप इस ऐप को अपनी भाषा में यानी कि अपनी लोकल भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।